पे देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 भी मिला है। तो दोस्तों आप लोग में से बहुत लोग अभी रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, बहुत लोगों का रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुका है और बहुत लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं। तो आप लोग का एक कमेंट होता है कि सुनील भाई हम अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम भरेंगे तो उसमें मेरा जो है किस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन होगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, CCAA का किस पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, क्या सभी को ट्रैकमैन ही मिलता है? ट्रैक मेंटेनर आपको पता होगा वो मेंटेनेंस करते हैं ट्रैक का, उनको ट्रैक मेंटेनर बोला जाता है। तो क्या सभी को ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा, या देखिए CCAA के लिए कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं टोटल रेलवे में, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको सारा कुछ डिटेल से इस चैनल पर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड मिलता है जानकारियाँ कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। और ये जानकारी है वो मैं आपको ऑफिशियल बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करना है उनके लिए देखिए एक ऑफर चल रहा है अभी, रेस टू सिलेक्शन सेल। इस ऑफर में आपको क्या मिलेगा कि आपको सुनील 10 जब आप यूज कीजिएगा कूपन कोड में तो आपको 10 के जगह 12% आपको छूट मिलेगा, और आपको ये मात्र 527 में मिलेगा। और ये आपका टेस्ट बुक पास जो रहेगा वो प्रो वाला रहेगा, ठीक है, प्रो वाला रहेगा और एक साल का रहेगा ये। इसमें आपको क्या 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 मिलेगा तो आप देखिए SSC रेलवे बैंकिंग प्लस जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी तरह का एग्जाम होता है भाई 17,000 से प्लस इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग जो है खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया, वहां से आप लोग क्लिक करके जाइए और 10 के जगह 12% का डिस्काउंट हुआ। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको कौन सा पोस्ट में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। आप एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं तो आप अप्रेंटिसशिप से फॉर्म भरें तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से हम आपको बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं जिसको जानकारी ये सब नहीं है कि भाई हमारा ट्रैक मेंटेनर ही सभी को मिलेगा, क्या हम इससे यानी कि लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं सारा कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे की तरफ से जारी किया गया था जो कि 2019 का वैकेंसी का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CENRRC01/2019 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC 20/3/2023 का यहाँ पे जारी किया गया ये लेटर जो कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल जबलपुर की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें से जितना भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट यानी कि भरे थे 2019 का परीक्षा में फॉर्म तो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो कौन सा पोस्ट पर हुआ था वही यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग देखिए मैं सारा कुछ एक एक करके मैं सभी को बताता हूँ कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का किस किस पोस्ट पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर से लेकर बहुत सारा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट मिलता है, आपका जो है असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर, असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर फिर से वही वाला है, उसके बाद असिस्टेंट वर्क्स हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, फिर से वही है, फिर से वही है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट वर्क्स का यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं असिस्टेंट डिपोर्ट का भी मिलता है भाई। और ये जो है ये जो मिलता है ना पोस्ट वो आपका मेरिट पर बेस करता है, ठीक है, कि कितना आप लोग नंबर लाए हैं। अगर ज़्यादा नंबर लाइएगा आप लोग, अगर अच्छा पोस्ट भरे रहिएगा तो आपको क्या होगा कि अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, और अगर आपका नंबर कम रहेगा तो आपको नीचे वाला पोस्ट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में डालना होगा पोस्ट, और डालिएगा सभी का सभी, ठीक है। और मैं आपको उसमें भी बताऊंगा वीडियो बना करके कि आपको कौन सा डालना चाहिए पोस्ट पहले और कौन सा नहीं डालना चाहिए पहले पोस्ट, ठीक है। उस समय सारा कुछ मैं बताऊंगा जो कि अक्टूबर से लेकर के इसका अभी आएगा ना दिसंबर के बीच में वैकेंसी लेवल 1 का, तो उस समय आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिया असिस्टेंट वर्क्स का, यहाँ पर डिपोर्ट का देख लिया, असिस्टेंट वर्कशॉप का हो गया। असिस्टेंट वर्कशॉप जैसे हो गया डीजल लोको सेट होता है यानी कि इलेक्ट्रिक लोको सेट होता है, तो उसमें जो पोस्ट होता है ना उसको असिस्टेंट वर्कशॉप बोला जाता है, ठीक है। और डिपोर्ट का वही आपको पता होगा, आप अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो तो फिर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ पे रेलवे का सारा सामान जमा होता है उसी को डिपोर्ट स्टोर बोला जाता है, ठीक है। असिस्टेंट वर्क यानी कि असिस्टेंट एक होता है हेल्पर के तौर पर, सोच लीजिए आप टेक्नीशियन के साथ में यानी कि जो काम करता है उसको हो गया। प्लस में आपका यहाँ पे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो सिग्नल खराब हो जाता है तो उसका पोस्ट पर भी आपको ज्वाइनिंग हो सकता है। असिस्टेंट वर्क्स हो गया, असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC, जिसे आपको पता होगा कि जो कोच में होता है वो ट्रेन लाइट का जो होता है मेंटेनेंस वो एक करता है कौन, ग्रुप डी वाला ही करता है, ठीक है। टेक्नीशियन भी उसके साथ रहता है, प्लस में JEE भी रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो चयन होगा वो इसमें भी हो सकता है अगर आप इसको प्रेफरेंस में डाले रहेंगे तो। असिस्टेंट वर्कशॉप है, यहाँ पे वर्क्स है, फिर से वही है, वही है, वही है। और यहाँ पे देखिए ट्रेन लाइट है, आगे आपको बहुत सारा और पोस्ट मिलेगा, आप लोग वेट कीजिए। और अलग अलग जो जो पोस्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सिग्नल टेलीकॉम वाला ही है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नल टेलीकॉम वाला ही है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल ये हो गया। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC जो कि मैंने पहले बताया, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर
टेलीकॉम वाला है। फिर आगे आप लोग देखेंगे तो असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ठीक है, ट्रैक में जो मशीन रहता है ना उसका भी पोस्ट आपको मिल सकता है, उसमें भी काम करने का असिस्टेंट वर्कशॉप का भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए आप लोग जो है पता होगा आप लोगों को CNW क्या होता है, ठीक है, आपका इसमें भी मिल सकता है। प्लस में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का जो होता है उसमें भी आपको मिल सकता है। प्लस में असिस्टेंट ट्रैक मशीन का भी इसमें भी मिल सकता है। असिस्टेंट CNW हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप, ट्रैक मशीन, TRD आपको पता होगा, TRS डिपार्टमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक लोकोसेट जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा। CNW में TRD में, वर्कशॉप में TRD, CNW, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट यानी कि लोकोसेट इसमें भी मिल सकता है। प्लस में मैं आपको जो अलग अलग थोड़ा सा है उसको मैं बताता हूँ, डिपोट स्टोर में बता ही चुका हूँ आपको। आगे हो गया आपका देखिए असिस्टेंट वर्क्स का हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप का हो गया, पॉइंट्समैन का आपको मिल सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉइंट्समैन का नहीं मिलेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, पॉइंट्समैन का भी मिल सकता है, ठीक है। आगे बहुत सारा और है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ आपको पता चलेगा। और बाकी इधर सेम वही सब है, वर्कशॉप वाला। और यहाँ पे देखिए ट्रैक मेंटेनर Grade 4, यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैक मेंटेनर Grade 4 भी मिला है। और आगे आप लोग देख सकते हैं यही सेम है, ट्रैक मेंटेनर Grade 4, उसके बाद वही है सेम टू सेम, ट्रैक मेंटेनर Grade 4, वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल यानी कि लोको सेड हो गया, ट्रेन लाइट वाला हो गया, वर्कशॉप हो गया, लोको सेड हो गया, वर्कशॉप वर्क्स हो गया, उसके बाद ट्रेन लाइट वाला हो गया, पॉइंट्समैन का देखिए यहाँ पे, और CNW का हो गया, वर्कशॉप का हो गया, वर्क्स का हो गया, वही सब यानी कि सेम है। आगे हम लोग देखते जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम इधर वही सब मिल रहा है लगभग। उसके बाद जो डिफरेंट होगा मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। CNW का ही हो गया और डिपोट स्टोर का पता है। और आगे इसी तरह से TRD का, TRS में भी आपको मिल सकता है, ठीक है, जिस तरह से आप भरिएगा उस तरह से। ट्रेन लाइट AC वाला आपको मिल सकता है। देखिए असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का मिल सकता है, असिस्टेंट वर्कशॉप ये सब मिल सकता है। नेक्स्ट है वही देखिए पॉइंट्समैन का सेम टू सेम है, वर्कशॉप में मिल सकता है आपको। उसके बाद भाई देखिए आप लोग जहाँ जहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहे थे ना जिस टाइप से, उसी टाइप से आपको यानी कि काम मिल सकता है, ठीक है। अलग यानी कि जो जो भी जितना भी डिपार्टमेंट रहता है वो सारा कुछ किसी न किसी में आपको मिल ही जाएगा। और वही सेम टू सेम यहाँ पे देखिए हर जगह इधर है। बाकी और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है। तो सारा का सारा वही देखिए वर्क्स है, Grade 4 यानी कि वही ट्रैक मेंटेनर हो गया वही है। देखिए ट्रैक मेंटेनर अधिक लोगों को इसलिए मिलता है भाई क्योंकि उन लोगों का नंबर कम रहता है, और जिनका नंबर रहता है अच्छा रहता है वो अच्छा पोस्ट भरते हैं तो उनको मिल जाता है अच्छा पोस्ट, ठीक है। वही मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो बना करके कौन सा पोस्ट अच्छा है, जैसे यानी कि आरामदायक कौन सा है और किस में काम ज़्यादा होता है, ठीक है, सारा कुछ मैं बताऊंगा अपना चैनल में। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट ब्रिज का हो गया, ब्रिज जो बनता है पुल जिसको बोलते हैं, तो उसमें काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है Group D स्टाफ का, तो उसमें आपको ब्रिज में भी मिल सकता है। फिर हो गया यहाँ पे सिग्नल डिपार्टमेंट है, पॉइंट्समैन डिपोट हो गया और पॉइंट्समैन हो गया, यही सब है। देखिए लास्ट यहीं तक था और जो यहाँ तक मैं आपको बताया हूँ यहाँ तक आप लोग देखिए 149 तक ये टोटल था CCAA कैंडिडेट का, सॉरी 153 तक CCAA कैंडिडेट का था, जो कि अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट जो किए थे रेलवे से उनका 2019 का वैकेंसी में हुआ था सिलेक्शन। आप लोग देख सकते हैं आपको सामने मैंने यानी कि पूरा लाइव मैंने बताया, ठीक है। और बाकी एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का भी मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं बहुत जल्द, बताने वाला हूं कि कैसे कैसे उनका क्या क्या हुआ था और अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ A to Z में आपको बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा जो जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहा है और अभी जो जो यानी कि करने वाला है, ठीक है, और जिनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैं अपलोड करूँगा तो आपको पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और बाकी जो जो भी आपका कमेंट अगर रहेगा कुछ और भी तरह से रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इसका होता है और इस टाइप से सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और जो भी मैं बताऊँगा वो आपको विथ प्रूफ बताऊँगा, ठीक है, कोई हवाबाजी में बात नहीं करूँगा, ऐसे उसे कुछ नहीं, जो भी बात रहेगा। बहुत लोग GM Power को लेकर के बात करें तो भाई GM Power का अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने जो है आशीष मिश्र से बात कर लिया है, वो बोले हैं कि अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ खुद लाइव कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए, जो भी इसका अपडेट आएगा मैं उनसे लाइव कर दूंगा, ठीक है, अपना चैनल। वो बोले कि मैं आपके साथ एक लाइव कर लूँगा जब इसका कुछ अपडेट आएगा, वो भी जुड़े हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ अपडेट को यानी कि अपडेट
जुटाने में वही लगे हैं, ठीक है। अभी कहीं से पता कर रहे कि हाँ इसका क्या क्या अपडेट है, जैसे जितना भी सारा यूनियन वगैरह वहाँ से, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कन्फर्म हो गया होगा कि भाई इतना सारा पोस्ट में हमारा जो है सिलेक्शन हो सकता है, ना कि केवल ट्रैक मेंटेनर में और ना कि खराब पोस्ट में, ठीक है। और भी बहुत सारा पोस्ट है, तो उसमें भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारा पोस्ट होता है ग्रुप डी में, तो उसमें किसी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका नंबर किस टाइप से है और आपका प्रेफरेंस किस टाइप से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।